Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेन टेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम एक वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और एक टूल यहां पर डिस्कस करूंगा मैं। बेसिकली इस टूल का नाम है WFuzz। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, कभी ना कभी बग बाउंटी में भी ये काम आता है। तो ये टूल करता है क्या एग्जैक्टली और ये बाकी टूल से कैसे डिफरेंट है, इस बारे में बात करने वाले हैं आज। तो ये शुरू करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये टूल करता क्या है। तो WFuzz एक वेबसाइट ब्रूट फोर्सर है, मतलब एक वेबसाइट का एक पूरा फ्रेमवर्क है। आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो इससे, और इसकी तुलना बहुत सारे बाकी टूल से की जाती है, जैसे डरबस्टर और गोबस्टर, डर्बी, इस ये जैसे जो जो टूल है ना, इन सब से तुलना की जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये उनसे ज़्यादा पावरफुल है और बाकी के बहुत सारे काम आप कर सकते हो जो उनमें नहीं कर सकते आप। तो ये एक ऐसा टूल है जो वेब एप्लीकेशन असेसमेंट में काम आता है और एक बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एक फर्स्ट कीवर्ड है, फर्स्ट FUZZ, एक प्लेस होल्डर बोल सकते हो आप इसको। उस कीवर्ड पर डिपेंड करता है, जहां भी आप डालो अपने HTTP रिक्वेस्ट पर, वो उसको अपनी एक वेल डिफाइंड ब्रूट फोर्सिंग लिस्ट से रिप्लेस कर देता है। उसको बाद में देखेंगे कि कैसे किया जाता है, क्या मतलब है मेरा। लेकिन ये एक बहुत काम का टूल है, आप इससे वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे डायरेक्टरी लिस्टिंग हो गया और फॉर्म्स पे ब्रूट फोर्सिंग हो गया, ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स चेंज करना, हेडर्स चेंज करना, जो भी HTTP रिक्वेस्ट पे आप करते हो ना, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो इससे। तो यहाँ देख लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है। एक्चुअल में आप ये सब पढ़ सकते हो GitHub से, और जहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे ना, ये GitHub की ये लिंक है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से इसको क्लोन कर लो। और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास Python इंस्टॉल होना चाहिए। आप Python 2 या 3 कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन Python 3 रिकमेंडेड है, तो आप वो रखो, उसके बाद आप इसको क्लोन करो। मैंने पहले से क्लोन करके रखा हुआ है, और इनफैक्ट ये काली में प्री इंस्टॉल्ड आता है, आपको इसको क्लोन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक टर्मिनल खोल लेता हूँ और देख लेते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है, एक्चुअल में इसका प्रिंसिपल क्या है। और यहाँ पर आप टर्मिनल खोलोगे ना, तो आपको एक कमांड टाइप करना है WFuzz, सिंपल सा ये ऐसे काम करता है। और काम तो बाद में देखते हैं, पहले हेल्प देख लेते हैं कि ये करता क्या है एग्जैक्टली। ये हेल्प खुल गया इसका, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। इसका यूसेज कुछ इस तरीके से है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक पेलोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक पेलोड एक लिस्ट हो सकती है, वो कोई इटरेबल हो सकता है, वो कोई फाइल हो सकती है। आपको पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं और आपको उसके बाद URL प्रोवाइड करना है जहाँ पर आप टेस्ट करना चाहते हो। इसकी नेक्स्ट लाइन देखो यार, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि आप एक प्लेस होल्डर प्रोवाइड करोगे ब्रूट फोर्सिंग के लिए। जैसे क्या होता है ना, कि अगर हमको यूज़र नेम इन्यूमरेट करने हैं, मतलब यूज़र नेम पता करना है कि उस वेबसाइट पे यूज़र नेम क्या है किसी का, तो हम क्या करते हैं, URL प्रोवाइड करते हैं गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट पे एक मतलब अगर आपने बब सूट यूज़ किया होगा, बब सूट, तो वहाँ पर हम लोग एक इंट्रूडर टैब होता है, वहाँ पर ब्रूट फोर्स करते हैं। उस टाइम पे हम लोग कीवर्ड या प्लेस होल्डर प्रोवाइड करते हैं कि उस जगह पे मेरे को जो भी मैं पेलोड डालूंगा, जो भी मैं लिस्ट स्पेसिफाई करूंगा, वहाँ पर ही डालना है मुझे सारे पेलोड्स। तो उस टाइम पे वो जो फर्स्ट कीवर्ड है, जो यहाँ पर फर्स्ट कीवर्ड है ना, इस फर्स्ट कीवर्ड को आप जहाँ भी डालोगे, जिस भी पोजीशन पे डालोगे अपने रिक्वेस्ट की, किसी भी पोजीशन पे, वहाँ पर आपकी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को वो वन बाय वन डालते जाएगा और रिक्वेस्ट करते जाएगा। जैसे टिपिकल ब्रूट फोर्स में होता है ना, वैसे ही है यहाँ पर भी, सिर्फ आप प्लेस होल्डर प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पे प्लेस होल्डर आप हाइड्रा में प्रोवाइड करते थे, जैसे आप जानते हो मैंने वीडियो भी बनाया था हाइड्रा पे, मतलब हाइड्रा पे अकेले नहीं था, लेकिन हाइड्रा पे ऐसे आप करते हो, फज़ करते हो। और फजिंग का मतलब यही होता है कि रैंडम चीज़ें प्रोवाइड करना, रैंडम चीज़ें प्रोवाइड करके आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट में कुछ डिफरेंस आया है क्या। कोई डिफरेंस आता है तो हम उसको लिस्ट करते जाते हैं, अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं हम लोग आउटपुट को। जैसे आप यहाँ पर हेल्प और एडवांस हेल्प देख सकते हैं, वर्जन देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको एनकोडिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आप जो भी पेलोड्स प्रोवाइड करोगे उसको आप एनकोड कर सकते हो, आप हैश कर सकते हो, ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। और उसके बाद ये सी ऑप्शन मज़ेदार है, यहाँ पर सी ऑप्शन से आप कलरफुल आउटपुट देख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। आपको अगर आउटपुट को और अट्रैक्टिव बनाना है, मतलब अट्रैक्टिव नहीं, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आउटपुट क्या आ रहा है, आप अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाओ, उसके लिए आप कलर लगा सकते हैं। अलग अलग कोड के लिए अलग अलग कलर आएगा अलग अलग रिस्पॉन्स पे। और उसके बाद वी ऑप्शन है वर्बोस, आप जानते ही हो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा आपको जो भी ये करेगा। उसके बाद जो भी ऑप्शन है इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है आप पर -T, ये कितने कनेक्शन आपको खोल के रखने हैं एक साथ उस URL पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो, 10 डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद ये S ऑप्शन है,
आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट और दूसरी रिक्वेस्ट के बीच में टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, कितना डिले होना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि कॉन्करेंट रिक्वेस्ट अगर एक साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो सर्वर ब्लॉक कर देता है, उस केस में ये ऑप्शन काम आएगा। और कभी कभी किसी रिक्वेस्ट पे आपको कहीं और रिडायरेक्ट हो जाते हो, 301 या 302 किसी और वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट हो जाते हो, तो उस केस में आप फॉलो कर सकते हो और फॉलो के बाद जो रिजल्ट आया आपको वो दिखाएगा। लेकिन डिफॉल्ट केस में वो फॉलो नहीं करेगा, आपको रिस्पॉन्स दे देगा कि 301 आया है, 302 आया है, ऐसे करके रिस्पॉन्स दे देगा। उसके बाद यूआरएल तो आपको स्पेसिफाई करना ही है, ये मैंडेटरी ऑप्शन है। पेलोड आप ये ज़रूरी ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर ध्यान दो। -z जो ऑप्शन है ये भी ज़रूरी है, यहाँ पर पेलोड आपको प्रोवाइड करना है। पेलोड क्यों? क्योंकि आप पहले बताओगे ना कि ब्रूट फोर्स मुझे किससे करना है, आपको लिस्ट बतानी पड़ेगी, लिस्ट फाइल देनी पड़ेगी। फाइल हो सकती है या कोई इटरेबल हो सकता है, आप वहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो अपने कमांड में ही। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो भी फर्स्ट कीवर्ड आप प्रोवाइड कर रहे हो ना अपने कमांड में, जहाँ भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो इससे रिप्लेस कर देगा, आपके पेलोड के सारे एलिमेंट्स से वो रिप्लेस कर देगा उसको। जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उस हिसाब से रिक्वेस्ट बढ़ती जाएंगी यहाँ पर। तो कुकी भी प्रोवाइड कर सकते हो अपने अकाउंट के कंटेक्स्ट के अंदर, आप कुछ टेस्टिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और मेथड क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट मेथड जो गेट पोस्ट हेड ये सब होता है ना, आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है यार, कस्टम हेडर दे सकते हो, पोस्ट डेटा जो जाएगी यूआरएल पे वो भी दे सकते हो। तो एक एक करके हम लोग अभी ट्रैक करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये तो थ्योरी पार्ट था, आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्टरी फाइंड करके देखते हैं, डायरेक्टरी लिस्टिंग करके देखते हैं। मतलब जैसे डरबस्टर ब्रूट फोर्स होता है ना, डायरेक्टरीज फाइंड करनी है मुझे किसी भी वेबसाइट पे, होस्ट पे, तो मैं यहाँ पर वो करके देखता हूँ डब्ल्यू फर्स्ट से वो कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको कमांड डालना है डब्ल्यू फर्स्ट, ये तो मतलब सेंसिबल बात है, आपको ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप चाहे तो आप कलर दे सकते हो, यहाँ पर मैं कलरफुल आउटपुट के लिए -c ऑप्शन दूंगा, तो ये अलग अलग रिस्पॉन्स पे मुझे अलग अलग कलर देगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि रिस्पॉन्स कैसे कैसे कहाँ चेंज हो रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूँगा अपना फाइल, मतलब जिस फाइल से मुझे ब्रूट फोर्स करना है। मेरे को एक वर्ड लिस्ट पता मतलब देनी पड़ेगी ना, वर्ड लिस्ट ब्रूट फोर्स के लिए। तो मैं -z करूँगा यहाँ पे, और जेड के बाद -z आपने ऑप्शन दिया तो आपको स्पेसिफाई करना है कि क्या है, आप क्या दे रहे हो। तो आप फाइल दे रहे हो यहाँ पे, आप फाइल दे सकते हो, आप लिस्ट दे सकते हो, आप काफ़ी चीज़ें और दे सकते हो। तो ये एक बेसिक वीडियो है, तो मैं उसमें ये सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी एडवांस चीज़ें आप पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंटेशन पे। तो उसके बाद आपको कॉमा करके उस फाइल का पाथ आपको स्पेसिफाई करना है, इस केस में वर्ड लिस्ट का। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टरी लिस्टिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे डरबस्टर का वर्ड लिस्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जो डरबस्टर के साथ ही आता है, ये वाला मीडियम वाला वर्ड लिस्ट। इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं पहले, ये पाथ है इसका, कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, और फिर फाइल का नाम आ जाएगा। तो ये कंप्लीट पाथ आ गया, तो ये मेरा स्पेसिफाई हो चुका है वर्ड लिस्ट का नाम। इसके बाद मैं फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मुझे सारे रिस्पॉन्स कैप्चर नहीं करने हैं, और सारे रिस्पॉन्स मैं कैप्चर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ वही पेज रिटर्न होने चाहिए जो HTTP स्टेटस को 200 रिटर्न कर रहे हैं। मतलब अगर 404 आ गया, क्योंकि मैं ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ, अगर ब्रूट फोर्स किया तो मुझे सारे रिस्पॉन्स दिखा देगा, मुझे सारे रिस्पॉन्स कैप्चर नहीं करने हैं, मेरे को सिर्फ वही रिस्पॉन्स कैप्चर करने हैं जो एक्चुअल में वैलिड डायरेक्टरी है। और वैलिड कब होगी? जब HTTP का रिस्पॉन्स को 200 आएगा, ओके वाला, और मुझे 404 नहीं चाहिए। तो मुझे 404 नहीं चाहिए, उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है -h करके। एच मतलब हाइड, मतलब उस रिस्पॉन्स को हाइड करना है जो मुझे कोड दे रहा है 404। कोड के लिए आप यहाँ पर सी टाइप करोगे, -hc, और सी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सी दो, यहाँ पर आप देख रहे हो -hc है, HL है, HW है, उसके हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं कोड के लिए, लाइन के लिए, वर्ड के लिए, कि क्या क्या नहीं होना चाहिए रिस्पॉन्स में, आपको क्या क्या नहीं दिखना चाहिए। तो उस केस में मैं इसको इग्नोर करूँगा, स्टेटस कोड 404 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उसको हाइड कोड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने हाइड कर दिया, फिल्टर कर दिया, अब से मुझे सिंपली यहाँ पर यूआरएल देना है -u करके। मैं मतलब जो भी होस्ट होगा, जो भी वेबसाइट होगी जिस पर मैं ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ, उसका मुझे नाम देना है यहाँ पर, मतलब पूरा HTTP से लेके .com.in जो भी है वहाँ तक। तो HTTP यहाँ पर जो पब्लिक टेस्टिंग के लिए वेबसाइट बनी हुई है, test.php.vulnweb.com। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप अगर डरबस्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको ये कीवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है फज़। यहाँ पर मैं कीवर्ड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो प्लेस होल्डर है ना फज़ वाला, ये इस जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है ना, इस लिस्ट के सारे एलिमेंट से इस फज़ कीवर्ड को रिप्लेस कर देगा। मतलब जब भी वो टेस्ट करेगा ना, मतलब जब ये रन होगा,
ये रन करते टाइम पे इस सारे एलिमेंट्स, ये जो इस लिस्ट पे होंगे इसके सारे एलिमेंट्स से इस फर्स्ट कीवर्ड को रिप्लेस कर देगा। तो ये वन बाय वन ब्रूट फोर्स करता जाएगा, इसीलिए मुझे ये प्लेस होल्डर देना ज़रूरी है। तो प्लेस होल्डर का मतलब यही है कि फर्स्ट में ही फर्स्ट दोगे आप, तभी यहाँ पर ही रिप्लेस कर पाएगा। तो ये पूरा कमांड है डायरेक्टरी लिस्टिंग का, आप इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे रन होता है। तो अभी ये रन हो रहा है, ये जो हैश वाला है इसको आप इग्नोर कर दो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इमेजेस सीजीआई बिन, ये सब डायरेक्टरी के जो कोड्स आ रहे हैं ना, रिस्पांस कोड्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर दिख रहे हैं। 301 रिस्पांस कोड आया इमेजेस पे, 403 आया सीजीआई बिन पे, एडमिन पे भी रिस्पांस आया 301। तो एक एक करके ट्राई करके देख लेते हैं कि ये फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं दे रहा है, मतलब सही है कि नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं मोजिला में इमेजेस करके, ये मेरे पास साइट खुली हुई है, यही साइट खुली हुई है, इमेजेस करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इमेज तो खुल रहा है यहाँ पर इंडेक्स ऑफ, ये तो सही है, और एडमिन में भी 301 आ रहा था, यहाँ पर भी सही है, एडमिन भी खुल चुका है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव नहीं देता है, ये काफ़ी केसेस में ये 99% सही रिस्पांस देता है। तो ये जैसे जैसे रन होगा ना, जितने भी मतलब जो भी आपने फाइल प्रोवाइड की है उस फाइल के लेंथ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मेरे केस में करीब 220,000 रिक्वेस्ट जाएंगी, तो ये काफ़ी टाइम लेगा, और आप अपने हिसाब से कस्टम लिस्ट भी दे सकते हो, उसके ऊपर आपके ऊपर है। ये 404 रिटर्न नहीं करेगा, आपको 404 को हाइड करना था, इसलिए मैंने वो फिल्टर लगाया था। तो ये हो गया डायरेक्टरी लिस्टिंग, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और इसको अभी बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए, नेक्स्ट चीज़ ट्राई करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जो हाइड्रा जैसे टूल का जो काम है ब्रूट फोर्स करना पासवर्ड्स के लिए, यूज़र नेम्स के लिए, पासवर्ड्स के लिए। उस केस में हम लोग मतलब बेस्ट एग्जांपल जो है वर्डप्रेस के लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस पे मैं किसी की भी वेबसाइट पे नहीं जाने वाला हूँ, और उस वेबसाइट पे मैं नहीं जाऊँगा बिना परमिशन के। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कमांड दिखा रहा हूँ कि कमांड कैसे काम करेगा। आप ये कमांड को कॉपी करके आप वहाँ पर अपने हिसाब से टाइप कर सकते हो, अपने तरीके में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डब्ल्यू फर्स्ट में टाइप करूँगा, सबसे पहले वही आएगा। माइनस सी कलर रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को, माइनस जेड तो आएगा ही आएगा क्योंकि आपको फाइल देनी है यहाँ पे, फाइल करके कॉमा करके फाइल कौन सी दोगे आप, फाइल जिसमें वो सारे यूज़र नेम्स हो। अगर मुझे यूज़र नेम अगर ब्रूट फोर्स करना है ना, तो जिस भी फाइल में अपने सारे यूज़र नेम के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टोर करके रखे हैं ना, तो वो फाइल का नाम आप स्पेसिफाई करो। मेरे केस में मैं यहाँ पर रूट डेस्कटॉप में आ जाता हूँ, डेस्कटॉप में एक फाइल है ये एफ सोर्स सिटी वाला जो फाइल है ना, यही दे देता हूँ मैं। और यहाँ पर उसके बाद आपको देना है माइनस एच, वही है जो मैंने पहले किया था, माइनस माइनस एच हाइड करना है मेरे को। क्या हाइड करना है अब इस केस में, मैं ना स्टेटस कोड को हाइड नहीं करूँगा क्योंकि हर बार स्टेटस कोड 200 ही आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वो फाइल प्रेजेंट है। मैं यहाँ पर डायरेक्टरी लिस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ यूज़र नेम के लिए और पासवर्ड के लिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मेरे को क्या करना है, रिस्पॉन्स में कोई ऐसी स्ट्रिंग होगी जो मुझे नहीं चाहिए, मतलब यूज़र नेम अगर मैं गलत टाइप कर रहा हूँ तो वो स्ट्रिंग रिस्पांस में आ रही है, लेकिन अगर मैं यूज़र नेम सही टाइप कर रहा हूँ तो वो स्ट्रिंग रिस्पांस में नहीं आ रही है। तो उस रिस्पांस की इनवैलिड स्ट्रिंग को मुझे हाइड करना है। जो स्ट्रिंग यूज़र नेम के गलत डालने से एरर के फॉर्म में आ रही है ना, वो स्ट्रिंग मेरे को हाइड करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक रेगेक्स दूंगा, माइनस 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 एच एस दूंगा यहाँ पे। एस आप बोल सकते हो कि रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए है। तो रिस्पांस में मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए जो गलत यूज़र नेम पे आ रही है, तो उसको मेरे को हाइड करना है। तो वर्डप्रेस के केस में ना, अगर आप गलत यूज़र नेम डालते हो ना, तो उस केस में इनवैलिड करके रिस्पांस में दिखता है आपको, इनवैलिड स्ट्रिंग आती है रिस्पांस में, तो वो मेरे को हाइड करना है यहाँ पर। अगर वो मतलब यूज़र नेम सही चाहिए तो ये चीज़ रिस्पांस में नहीं आएगी, तो उसी को मेरे को दिखाना है, तो इसलिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को यूज़र नेम पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है, तो मेरे को कुछ इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट क्या दूंगा मैं, पोस्ट इनपुट दूंगा, क्योंकि वर्डप्रेस ऐसे ही काम करता है ना, गेट रिक्वेस्ट पे आपकी कभी भी पासवर्ड नहीं जाती उसमें। अगर आप WP लॉगिन पे देखो, मैं अपनी साइड यहाँ पर खोल कर दिखा देता हूँ आपको, bitend.tech वाली WP लॉगिन, ये जो वर्डप्रेस वाली साइट होती है ना, अगर आप इसमें यहाँ पर गलत यूज़र नेम टाइप करते हो, कुछ भी टाइप करते हो, और अगर सही यूज़र नेम टाइप करोगे ना, तो इनवैलिड नहीं आएगा रिस्पांस में, कुछ और ही रिस्पांस आएगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर इनवैलिड चाहिए। और माइनस डी एक ऑप्शन था आपको अगर याद होगा,
तो माइनस डी एक ऑप्शन है पोस्ट डेटा के लिए, मतलब माइनस डी से मैं पोस्ट डेटा दे सकता हूँ अपने हिसाब से। पोस्ट डेटा मतलब नेम वैल्यू पेयर होता है, और वर्डप्रेस के केस में ना कुछ इस तरीके का पोस्ट डेटा मैं भेजता हूँ, कोई भी भेजता है वर्डप्रेस के केस में, हर रिक्वेस्ट पोस्ट के फॉर्म में लॉगिन के लिए ये रिक्वेस्ट जाती है, लॉग इक्वल टू यूज़र नेम, लॉग इक्वल टू, ये लॉग एक नेम है पैरामीटर का, और जो मैं यहाँ पर इक्वल टू करके डालूंगा ना वो वैल्यू होगा, और वैल्यू मेरे को क्या करना है, ब्रूट फोर्स करना है। तो जहाँ पर भी मेरे को ब्रूट फोर्स करना है यूज़र नेम के लिए, वहाँ पर मैं क्या डालूंगा, फज, क्योंकि यहाँ पर मेरे को रिप्लेस करते जाना, ये एक प्लेस होल्डर है, और एंड करके पास, पास एक पैरामीटर का नाम है, उसकी वैल्यू मैं कुछ भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं अभी पासवर्ड को ब्रूट फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट पासवर्ड दे देता हूँ, बस यही चीज़ करना था मेरे को। अब मेरे को यहाँ पर यूआरएल प्रोवाइड करना है, https example.com ले लेते हैं यहाँ पर, मैं किसी को ब्रूट फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं example.com ले रहा हूँ, wp-login.php, यही है, सिंपल सा कमांड है, आपको यही रन करना है। और अगर आपको लग रहा है गलत है तो देख लेते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं, रन करेगा तो सही है, ठीक है, चलो रन तो कर लिया ना, क्योंकि मतलब ये URL तो गलत था इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा ये। तो ऐसे कुछ काम करते हैं, आपको पता चल गया ना कि ये जो कमांड है इससे आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड के लिए वर्डप्रेस के केस में। और कोई और अगर लॉगिन होगा कोई भी वेबसाइट का, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो पोस्ट डेटा है, पोस्ट डेटा आपको पता करना पड़ेगा, पैरामीटर का नाम पता करना पड़ेगा, और ये URL पता करना पड़ेगा, सिर्फ यही चीज़ अलग होगी। और ये वाला URL, ये इनवैलिड कोड क्या आ रहा है जब आप गलत डाल रहे हो, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। तो बस वही चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर आप मल्टीपल फाइल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स मतलब मल्टीपल प्लेस होल्डर्स होंगे आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल डब्ल्यू फर्स, ठीक है, मैं यहाँ पर माइनस सी करता हूँ और फिर माइनस जेड करता हूँ, माइनस जेड के बाद फाइल आएगा और मुझे फाइल का पाथ देना है यहाँ पर, तो मैं कुछ भी दे देता हूँ, रूट टेस्ट डॉट txt, ठीक है, ये एक फाइल हो गई। अब एक और फाइल मुझे प्रोवाइड करनी है, दूसरी फाइल, तो मैं फिर से माइनस जेड डालूंगा, माइनस जेड फाइल कॉमा फिर से पाथ रूट टेस्ट 2.txt मान लेते हैं, और उसके बाद दो फाइल मैंने दी, तो उसके हिसाब से दो फर्स्ट कीवर्ड्स भी होने चाहिए, ये मैंडेटरी ऑप्शन है। अगर आप जब तक सारे पैरामीटर्स को जब तक आप ब्रूट फोर्स नहीं कर रहे हो, तब तक आपको उतने ही फर्स्ट कीवर्ड्स लगाने पड़ेंगे जितनी आप फाइल स्पेसिफाई कर रहे हो। यहाँ पर मैं यहाँ डालूंगा माइनस यू और वेबसाइट का नाम https://www.example.com/fuzz, ये एक कीवर्ड हो गया। अब मेरे को एक और कीवर्ड प्रोवाइड करना है, और वो मैं कहाँ प्रोवाइड करूँगा, मैं इसके ही आगे प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ आप fuzz 2z दे सकते हो, तो fuzz fuz 2z fuz 3z fuz अप टू nz ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो प्लेस होल्डर्स और दो फाइल्स प्रोवाइड किए हैं। इस केस में ये जो पहला वाला फर्स्ट कीवर्ड है ना, ये पहली वाली फाइल को लेगा, और दूसरा वाला जो फर्स्ट कीवर्ड है फर्स्ट 2z, ये दूसरी वाली फाइल को लेगा। तो इस ऑर्डर में चलेंगे, और पहली फाइल से पेलोड्स को फायर करेगा, उसी के साथ में या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेगा, या जिप कर देगा, दोनों पेयर बना देगा, या चेनिंग कर देगा, उस हिसाब से दोनों फाइल्स के पेलोड्स को एक एक करके वो ट्रैक करता जाएगा। तो ये भी डायरेक्टरी लिस्टिंग ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप अगर किसी रिस्पॉन्स को हाइड करना चाहते हो, तो आप दो तीन बार भी हाइड कर सकते हो, जैसे ये रिस्पॉन्स है इनवैलिड, तो इनवैलिड रिस्पॉन्स को भी हाइड करना है, माइनस माइनस एच एक और कोड है, मतलब जैसे कोड कोई होगा तो 404 को भी हाइड करना है, तो दोनों चीज़ें मेरे को हाइड करनी है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। और उसके बाद आपको URL देना है, यहाँ पे URL तो आप दे चुके हो, चलो ये सही हो गया, यही पेलोड है, मतलब कमांड है, आप ये सब दे सकते हैं। तो ये तीसरे टाइप का कमांड हो गया। आप मल्टीपल इंसर्शन पॉइंट भी दे सकते हो यहाँ पे, वेब पेन टेस्टिंग में, बग हंटिंग में बहुत काम आता है ये। ये एक बेसिक वीडियो था, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना, और इसका जो एडवांस वीडियो होगा वो मैं अपने कोर्स में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, और डब्ल्यू फर्स्ट कैसा टूल है, सिंपली एक वेब एप्लीकेशन ब्रूट फोर्सर है। आप प्लेस होल्डर्स बताओ, आप वर्ड लिस्ट बताओ, आप ऑप्शंस प्रोवाइड करो इसको, और फिर उस हिसाब से आपके लिए ये ब्रूट फोर्स करता जाएगा जो भी पैरामीटर्स हैं। मैंने हेडर पे ब्रूट फोर्स करना नहीं बताया है, वो आप चेक कर सकते हो, एडवांस में आ जाएगा वो। यहाँ पर मैंने डायरेक्टरी वगैरह, ब्रूट फोर्सिंग, नॉर्मल यूजर नेम पासवर्ड वगैरह आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को शेयर करो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको एथिकल हैकिंग पे, साइबर सिक्योरिटी पे आगे भी मिलते रहें। तो प्लीज़ देखते रहिए, सीखते रहिए, और
गुड बाय।